देख सकते हो कितने मस्त यार आम लगे हुए हैं। तो आपके घर में इस तरह के बड़े बड़े छोटे छोटे आम के पेड़ हैं कि नहीं, और उस पर आम लगे हैं कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो आते हैं दोस्तों टॉपिक पर। आज दोस्तों जो टॉपिक है ना, वो है दोस्तों एक्सीडेंट के बारे में। तो फिलहाल अभी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जिस वीडियो को देख रहे हो, यू आर स्मार्ट मेकर के जो तारिक भाई है, उन्होंने किया है कुछ इस तरह से गाड़ी को रोक दिया है, उसके बाद गाड़ी रिटर्न भी उन्होंने कर दिया है। तो दोस्तों आप भी अगर इस प्रकार का वीडियो एडिट करना चाहते हो बिना किसी गाड़ी के सामने जाए हुए, जी हाँ दोस्तों किसी भी गाड़ी के सामने आपको जाने का जरूरत नहीं, ये जो पूरा चीज़ एडिटिंग के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यार इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर दो पार्टों में अपना वीडियो को शूट करना होगा। आप यहाँ पर स्टेप वन में सबसे पहले अपना जो फ़ोन है उसको ट्राइपॉड पर माउंट करके आप यहाँ पर गाड़ी पार होने का मतलब एक वीडियो शूट कर लीजिएगा। और स्टेप टू में गाइस आपको यहाँ पर चल कर एक्टिंग करके अपना वीडियो को शूट करना होगा। बाकी दोस्तों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके, नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करके, चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लेके चलता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ कैसे साथियों आपको वीडियो को एडिट करना है। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो को मैं एडिट करने के लिए VN वीडियो एडिटर ऐप का यूज करूँगा, जैसा दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया है। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में VN वीडियो एडिटर ऐप पहले से इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐप का जो लिंक है आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब साथियों आपको इस वाले प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना होगा, न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे चले जाइएगा। यहाँ पर गए सबसे पहले आपको गाड़ी वाला जो वीडियो है उस वाले वीडियो को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे टाइमलाइन पर लाना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो गाड़ी वाला वीडियो है उसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइमलाइन पर ले आया हूँ। लाने के बाद आपको वीडियो के एंड में जाके जो VN का वाटर मार्क है इसको आपको डिलीट करके हटा देना होगा। अब साथियों आपको अपना वीडियो को प्ले करना होगा, और प्ले करके गए जहाँ पर गाड़ी बीचों बीच में कुछ इस तरह से आ रहा है इतना पार्ट में गए आपको यहाँ पर आना है। आने के बाद साथियों आप यहाँ पर स्प्लिट कीजिएगा, और इस साइड का पार्ट का कुछ काम है नहीं सो इसको आपको डिलीट करके हटा देना होगा। अब दोस्तों आप अपने वीडियो में इस जगह पर जाके एंडिंग पार्ट में आप यहाँ पर आके नीचे में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फ्रीज का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करके इस जगह का एक फ़ोटो आपको यहाँ पर बना लेना है। अब दोस्तों आपको आगे वाला जो पार्ट है इस पर क्लिक करना है, इसका दोस्तों आपको डुप्लीकेट बनाना होगा, जिस डुप्लीकेट को पकड़ के आपको यहाँ पे एंडिंग में आपको ऐड कर देना है। अब दोस्तों जो पार्ट आपने यहाँ पे एंडिंग में ऐड किया है इसको दोस्तों आपको रिवर्स में करना होगा, उसके लिए आप पहले वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। नीचे में आप यहाँ पर अगर खोजोगे तो आपको यहाँ पर रिवर्स का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। जब साथियों आप यहां पर क्लिक करें कुछ टाइम के बाद देख सकते हो कि जो वीडियो यहां पर रिवर्स हो चुका है। यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं वीडियो को प्ले करके तो देख सकते हो वीडियो यहां पर रिवर्स में जा रहा है। अब दोस्तों आपको यहां पर वीडियो के स्टार्टिंग तरफ में चले आना होगा, यहां पर दोस्तों आपको एड स्टिकर एंड PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो सेकेंड वाला वीडियो है उस वाले वीडियो को सिलेक्ट करके टाइम लाइन पर लाना होगा। सबसे पहले आप अपने वीडियो का जो वॉल्यूम है आप यहाँ पे 0% कर दीजिएगा। करने के बाद साथियों आप यहाँ पे नीचे में अगर खोजोगे तो आपको फिल का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप पहले आप वीडियो को फुल स्क्रीन में एडजस्ट कीजिएगा। अब साथियों आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग तरफ में चले आना होगा। नीचे में आप यहाँ पर अगर खोजोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक मार्क्स का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर साथियों आप सिलेक्ट कीजिएगा रेक्टेंगल को, उसके बाद आप जिस जगह पर खड़े हो उस जगह को दोस्तों आपको रखना होगा, और कुछ इस टाइप से इसको हल्का सा आप इसको यहाँ पे खींच दीजिएगा, जिससे गाइस इस वाले बैकग्राउंड के साथ ये वाला जो बैकग्राउंड है अच्छे से मैच हो जाए। तो मैं गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट किया हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको वापस से मार्क्सी वाले ऑप्शन पर जाना है। अब की फ्रेम पर एक बार आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों जैसे जैसे आप फ्रेम के अंदर जा रहे हो तो कुछ इस तरह से इसको भी आपको यहाँ पर बराबर मेंटेन रख के आप इसको खिसकाते जाइएगा, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे हाथ बढ़ाया है मेरा फ्रिज की जो फोटो है मेरा यहाँ पे टाइमलाइन में मतलब उसी जगह पे मेरा यहाँ पे सेट हो गया है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे देखना है कि कहाँ पर मैं अपने हाथों को फैला रहा हूँ। अगर मैं अपना वीडियो की बात करूँ तो गाइस देख सकते हो मतलब मैं इस जगह से अपने हाथों को इस जगह फैला रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो दोस्तों जो मैंने फोटो यहाँ पर फ्रिज किया है इसका जो लेंथ है मुझे गाइस यहाँ पर बढ़ाना होगा, तो मैं गाइस पहले इसको बढ़ा देता हूँ
बनाने के बाद मैं यहाँ पर वीडियो को प्ले करूँगा और देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने हाथ को ये किया पीछे तरफ ये चला गया। अब दोस्तों ये जो वीडियो इसका लेंथ को मैं थोड़ा यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद साथियों अब अगर मैं अपने वीडियो को शुरू से आपके लिए प्ले करके दिखाऊँ तो मेरा वीडियो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हो। तो गाइस इस प्रकार से आप बहुत ही आसान सिस्टम को फॉलो करके आप इस तरह का जो वीडियो है बहुत ही ईजिली आप बना सकते हैं। देख सकते हैं गाइस वीडियो कितना बढ़िया लग रहा है। अगेन गाइस मैं यहाँ पर वीडियो को प्ले करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी मेरा यहाँ पर आ रहा है और मैंने यहाँ पर हाथ को जैसे आगे किया तो गाड़ी यहाँ पर रुक गया। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने कुछ इस तरह से किया पीछे यहाँ पर चला गया। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान सिस्टम को फॉलो करके आप इस प्रकार का वीडियो एडिट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को सेव करने के लिए शेयर पर क्लिक करना होगा। 1080 60 fps और बिट रेट को अपने हिसाब से रख के आप अपना वीडियो के यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा आप मेरे वीडियो में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट एडिटिंग वाले वीडियो के चीज़ों के साथ। बाय बाय टाटा, नमस्कार।